सो भगवंत मान ने राजपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर दिता है। राजपाल ने सरकार बनाने मंजूरी दे दी है। सो नवी सरकार का गठन जड़ा है वह हो जा रहा है। 16 मार्च को खटखट कलां दे विच सौं चुक समागम होगा 12:30 बजे। सो पूरे पंजाब नू सौं चुक समागम लई सद्दा दिता है नवे बनन जा रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। उन्होंने कहा कि लोगों के नाल कीते जिहड़े तमाम वायदे ने उन्होंने पूरा किया जाएगा और कैबिनेट विच किसनू थां मिलेगी एक इतिहासिक जिहड़ा है फैसले कई सामने आउणगे जो पहलां कदे नहीं होए। सो सरकार बनाउण दा दावा पेश कर दिता गया भगवंत मान वल्लों। राजपाल कोल सरकार बनाउण दा दावा जिहड़ा है वह पेश किया गया जिसनू लैके राजपाल ने सरकार बनाउण नू मंजूरी दे दित्ती है। एक जिहड़ा प्रोटोकॉल हुंदा है उसनू फॉलो करना हुंदा है। सो हुण 16 मार्च नू खटखट कलां विच सौं चुक समागम जिहड़ा है वह होवेगा। तो पूरे पंजाब नू इस मौके भगवंत मान ने सौं चुक समागम लई सद्दा दिता है। नाल ही उन्होंने कहा कि कौन हुण कैबिनेट दे विच शामिल होणगे इसलिए इंतजार करना होगा लेकिन जो भी फैसले होणगे इतिहासिक होणगे जो अज तो पहला नहीं लेगा। सो भगवंत मान ने राजपाल कोल सरकार बनाउण दा दावा जिहड़ा है वह हुण पेश कर दिता है। राजपाल ने भी सरकार बनाउण नू मंजूरी दे दित्ती है जिसना नाल इतिहासिक जित आम आदमी पार्टी ने इन चोणों च हासिल की है। 117 चो 92 सीटा से जित हासिल की है। तो भगवंत मान राजपाल मिलने तो बाद पत्रकारों के रूबरू भी हुए जिथे उन्होंने यह साफ किया कि 16 तरीक न जिथे सहुं चुक समागम होना है सो उस लैके उन्होंने पंजाब की जनता जड़ा है वह सद्दा दिता है। नेहा लगातार बने हुए ने। नेहा सो कैबिनेट में कौन कौन शामिल होएगा इसे फिलहाल जड़ा है स्पष्ट और नहीं कर पाए कि हले इंतजार करना पेगा कहना भगवंत मान का। बिल्कुल राधा इंतजार हमें फिलहाल है जो करना पवेगा कि कैबिनेट के किसनों एंट्री मिलती हैगी है कैबिनेट के कौन डायरैक्ट एंट्री मारता है लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वही है कि जिन्होंने वे वे जो तुरंतर है उन्होंने शिकस्त दी है उन्होंने हराया है आम लोग जड़े ने उन्होंने जोड़ा है कैबिनेट के जी है एंट्री मिलन जा रही हैगी और जो सूत्र सू जानकारी दे रहे हैं कि भगवंत मान की कैबिनेट के जो है गुरप्रीत बस्सी गुरदेव मान अजीतपाल कोहली डॉक्टर चरणजीत सिंह जिन्होंने चरणजीत कैप्टन जो जो सब जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने हराया है उन्होंने जोड़ा है वह मिलन जा रही हैगी है। खरड़ तो जो MLA है अनमोल गगन मान उन्होंने जो है कैबिनेट के एंट्री मिलन जा रही हैगी है। नरेंद्र कौर भराज जगदीप सिंह कंबोज गोल्डी इन्हों जो है कैबिनेट के एंट्री जी है मिलन जा रही हैगी है। गुरमीत सिंह खुंडिया लाभ सिंह उगोक के जीवनजोत कौर जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया दोनों जोड़ा है शिकस्त दे के जरा है विधानसभा पहुंचे है जरा है कैबिनेट का हिस्सा जरा है सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वह कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मनजीत सिंह बलजिंदर कौर सरबजीत कौर मानुके कुलतार संधवा हरपाल छीमा अमन अरोड़ा यह सब वो नाम है जो आप अपने दर्शकों को सब तो पहले दस रहे हैं राधा कि यह पंजाब कैबिनेट जो कि नवी पंजाब की कैबिनेट हैगी उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। हालांकि फॉर्मल अनाउंसमेंट होने राधा हमने होनी बाकी हैगी है क्योंकि यह सब जरा है एक रवायत होंगी हैगी है कि यह सब कुछ चीज़ा करनिया पैंदिया है लेकिन जो जानकारी सानू मिल रही हैगी है वही है कि सब लोग जोड़े है जो नवे चुन के आए हैं जिन्होंने वे वे तुरंतर शिकस्त दी हैगी है और सब जो है आम आदमी पार्टी की जड़ी नवी कैबिनेट हैगी उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं और हमने फिलहाल थोड़ी देर के अनाउंसमेंट भी हो जाएगी लेकिन सब तो वही चीज़ जी है राधा वो यही है कि गवर्नर के कोल जोड़ा है जाके दावा पेश कर दिता गया है कि सरकार बनने जा रही हैगी है नवी पंजाब की और नाल ही नाल आम लोगों को सदा दिता गया है कि खटखट कलां दे विच पहुँचो 16 तरीक न 12:30 बजे क्योंकि आम लोगों ने जोड़ा है यह सरकार बनाई है और इन्नी वड्डी सुनामी इन्ना वड्डा झखड़ इन्ना वड्डा फतवा जोड़ा लोगों को दिता है वो आम आदमी कारण ही दिता गया है और इसी कारण आम लोगों को जोड़ा है सदा दिता गया और एक ना राधा एक फॉर्मल जोड़ा है परमिशन भी ली हैगी है गवर्नर के कोलों कि वह सौ चुक समागम जोड़ा है वह खटखट कलां दे विच करन जा रहे हैं जो कि शहीद आजम भगत सिंह की धरती हैगी है क्योंकि सारे जिन्हें भी समागम है आप हमेशा देखा है राधा कि वह राजभवन के ही होंदे आए हैं लेकिन इस बार जोड़ा है बिल्कुल अलग हो जा रहा है और जो सौ चुक समागम है वह खटखट कलां दे विच होगा 12:30 बजे 16 तरीक को और इसी कारण आम आदमी को जोड़ा है न्यौता दिता गया क्योंकि उन्होंने यह सरकार बनाई है और इसी कारण बड़ा कुछ नवा हो जा रहा है दावा किया जा रहा है वड्डा फतवा है वड्डे ही जिम्मेवारी है और इसी कारण वड्डे चैलेंजेस भी सामने आने वाले है और लोग बेसब्री ने इंतजार कर रहे हैं कि हुण नवे पंजाब दे विच की कुछ नवा हो
होगा क्योंकि ऐलान तो कुछ काफ़ी कर दिए गए ने। भगवंत मान ने साफ कर दिता है कि किसी भी ऑफिस के जोड़ा हैगा वो मुख्यमंत्री की जोड़ी फोटो हैगी और नहीं लगेगी। आम आदमी वगैरह सरकार चलेगी, आम आदमी की सरकार जी है पंजाब की सरकार वो पिंडा तो चलेगी, चंडीगढ़ तो नहीं चलेगी। और यही फतवा उन्होंने कल सारे विधायकों को भी दिता है कि वह अपने पिंडा के रहन उत्थे रहन जिथे जाके उन्होंने लोगों को वोटा मंगिया है और उन्होंने इतने आने की लड़ नहीं हैगी, लोगों को तख्ते खाने की लड़ नहीं हैगी। उन्होंने जोड़ा है सब कुछ अपने जिथे उन्होंने जोड़ा गढ़ है जिथे जित के आए हैं अपने अपने एरियाजों उ ही उन्होंने सारिया जहूलत जो दिखाई जाएंगी। और यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके कॉलेज जोड़े है मेडिकल कॉलेज जोड़े है जल्द बनन लोग उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आप रीसेंटली राधा देखिए कि किस तरीके वड्डी तादाद के पंजाब तो भी यूक्रेन के मेडिकल स्टूडेंट जोड़ा होगा वो आ गया हुआ सी हूँ वॉर जोन के फसया हुआ है काफ़ी स्टूडेंट। हालांकि भारत सरकार के वो बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस ही लाया गया लेकिन किस तरीके मेडिकल एजुकेशन की लड़ हैगी है, किस तरीके पूरे पंजाब हैगी है कि नवी नौकरियां जड़ियाँ है उसके लिए जोड़ा है जनरेशन की जाए नवी नौकरियां बनाई जा आम लोगों के लिए जोड़ा है सहूलत हो स्कूल बिल्कुल चुनौतियां जी मैंडेट वड्डा है चुनौतियां भी उन्नी ही वड्डिया ने क्योंकि हूँ उम्मीदा बहुत ज्यादा ने सूबे की जनता नू और ये उम्मीद हर कोई कर रहा है खास तौर पर रुजगार की जिस तरह तुम गल कर रहे हो हेल्थ सैक्टर की गल कर रहे हैं अजे विचकार चुनौतियां भी बहुत सारिया ने इन्होंने चुनौतियों से खरा उतरना आम आदमी पार्टी की सब तो वड्डी जी है प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा फिलहाल की इस सारी जानकारी लिए। सो फिलहाल लगातार तुम्हें तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह भगवंत मान अज पहुंचे थे राज्यपाल के नाल मुलाकात की थी। अज पंजाब दे राज्यपाल साहब नू मिलके समर्थन पत्र जिहड़ा 91 विधायकों का वो असी सौंपया ते उन्होंने खिड़े मत्थे इनू प्रवान किया ते 16 मार्च नूं 12:30 बजे खटकड़ कलां विखे सहुं चुक समागम होगा 16 मार्च नूं 12:30 बजे ते पंजाब दे सारे लोगों साडे वल्लों सद्दा पत्र है कल्ले कल्ले पंजाबी ने सहुं चुकनी है उस दिन पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी सहुं चुकनी है अपना सब कुछ पंजाब दी तरक्की लई निशावर करन दी सहुं चुकांगे। सो मैं फिर दस दिना कि आज राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था तो राज्यपाल साहब ने उसको परवान किया सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने उस सेरेमनी करनी है हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतने बता पाऊंगा कि 16 तारीख को 12:30 बजे कैबिनेट अच्छी होगी, कैबिनेट अच्छी होगी, ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे।